दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पे मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो उत्तराखंड का है। दूसरा वीडियो जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये वीडियो उत्तर प्रदेश सहारनपुर का है। इन दोनों ही वीडियो में आपको देखने को ये मिलेगा कि कैसे जब बारिश होती है तो उसके बाद वहां के लोगों की जान जो है वो किस तरीके से जोखिम में पड़ जाती है, ये इन दोनों वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं पहले वीडियो के बारे में जो कि उत्तराखंड का है। बताया जा रहा है कि बहती धारा के बीच बस पास कराने की नाकाम कोशिश, मुसाफिरों को कूद कर बचानी पड़ी अपनी जान, मामला उत्तराखंड का है। ये वीडियो आप देखिए कि कैसे एक बस जो है वो बहते धारा के बीच में फंसा। जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम है और बारिश जब होती है तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश किस हालात से गुजरता है और वहां की जनता को किस हालात से गुजरना पड़ता है, ये आपके स्क्रीन पे बताया जा रहा है कि लोग जो है वो बस के ऊपर से कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आपने देख लिया। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जो कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर का है। बताया जा रहा है हिंदन नदी के जल स्तर बढ़ने से पानी में फंसी बस। हिंदन नदी में अचानक तेज पानी आने से हड़कंप, सवारियों से फंसी बस बहने से बाल बाल बची। ग्रामीणों ने अपनी जान किस तरीके से बचाई है ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दो वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है, एक उत्तराखंड का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जब बारिश होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में दिखाया कि जब बारिश हो रही है और बारिश जब ज्यादा हो जाती है तो हालात क्या हो जाते हैं, यह आपको शहरों के वीडियो मैंने आपने दिखाया। जब बताया कि गाँव में क्या हालत होता होगा, गाँव में तो बाढ़ आ जाती है और उसी का नतीजा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई, जान बचाने की कोशिश की। कहीं पे लोग बस से कूदकर भाग रहे और कहीं पे आपने देखा कि बस जो है वो बाल बाल बह जाने से बच गई। बस जो है वो बच गई, बताइए जा रहा कि बच गई। आगे का आगे क्या हुआ होगा ये तो लोगों ने नहीं देखा, ना ही वीडियो सामने आए। लेकिन जो भी वीडियो सामने आया है उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक ये दृश्य आपको देखने को मिला है कि कैसे पैसेंजर जो है वो बस से उतरकर इस तरीके से भागने लगे। अगर कुछ देर हो जाती या फिर बस अगर बह जाता तो सारे लोगों की जान जो है वो खतरे में आ जाती। आपकी क्या राय है इन दोनों ही वीडियो के बारे में और दोनों ही जगहों पे जो बारिश होने से जो दृश्य आपको देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से लोगों को अपनी जान बचानी पड़ती है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।